क्या आप जानते हैं ऐसी फिल्म जिसके आते ही लोगों ने टिकट की एडवांस बुकिंग कर ली है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ KGF चैप्टर 2 के बारे में। फ्रेंड्स, 2022 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म KGF चैप्टर 2 रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म का पहला पार्ट 2018 में आया था और ये फिल्म रिलीज होते ही टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। वहीं इसके दूसरे पार्ट को 100 करोड़ रुपए के मेगा बजट के साथ बनाया गया था और ये पूरे देश में 5 अलग अलग भाषाओं में 7,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि KGF की शूटिंग कहां पर हुई थी या फिर इससे जुड़े अमेजिंग बातें जो बहुत कम लोगों को पता है? तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, KGF चैप्टर 2 यह एक कन्नड़ फिल्म है जिसमें यश की धमाकेदार एक्टिंग और एक्शन सीन्स ने दर्शकों को आकर्षित कर दिया है। इस फिल्म का पहला पार्ट 2018 में आया था और रिलीज होते के साथ इस फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई कर ली थी। फैक्ट नंबर 2, KGF और KGF चैप्टर 2 में हमने यश को मेन लीड रोल में देखा। लीड रोल और KGF विलन के अलावा इस फिल्म में 800 से भी अधिक जूनियर आर्टिस्ट ने काम किया है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने सारे आर्टिस्ट होने के बावजूद भी इस फिल्म की शूटिंग लगातार कभी भी 10 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाई, क्योंकि यहाँ आग जैसे बरसने वाली गर्मी और साइनाइड से भरी धूल के कारण आर्टिस्ट बीमार पड़ जाते थे और KGF चैप्टर 2 की शूटिंग बीच में ही रोकना पड़ता था। कई आर्टिस्ट तो शूट के दौरान खून में जलन, सिर दर्द और स्किन एलर्जी जैसे दिक्कतें देखने को मिलती। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि फिल्म मेकर्स ने पहले से ही इस जूनियर आर्टिस्ट का इंश्योरेंस करवा दिया था। फैक्ट नंबर 3, KGF की शूटिंग में 40 किलो का कैमरा इस्तेमाल किया गया है। KGF की शूटिंग भुवन गौड़ा ने 40 किलो के कैमरा से शूट किया है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि KGF के शूट के दौरान उन्होंने कैमरा को अपने कंधे पर उठाकर की है। यदि वे चाहते तो कई प्रकार के कैमरा टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कि भुवन को इस फिल्म के हर सीन को परफेक्ट लुक और एंगल से शूट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद कैमरा को हैंडल करने का सोचा और इस फिल्म के लिए 800 से भी ज़्यादा महंगे कैमरा का इस्तेमाल किया गया। फैक्ट नंबर 4, KGF चैप्टर 2 के मेन विलन के रूप में संजय दत्त को देखा गया है, जिनके जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों से काफ़ी अवाही लुटी है। डायरेक्टर के अनुसार संजय दत्त के इस अधीरा के रोल के लिए उन्होंने एक लंबी चोटी और एक खास प्रकार का कॉस्ट्यूम बनाया था जो विलन को एक खतरनाक रूप में प्रदर्शित करता है। मज़ेदार बात यह है कि यह खास कॉस्ट्यूम का वजन 25 किलो था। इतनी भारी भरकम ड्रेस को पहनकर अधीरा की रोल प्ले करना बहुत ही मुश्किल बात था, पर संजय दत्त ने इसे किया। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म की शुरू से लेकर आखिरी तक के सीन आपने तो जरूर देखा होगा। फिल्म का एडिटर एक 19 साल का लड़का है जिसने फिल्म को शुरू से लेकर आखिरी तक एडिट किया है। इस लड़के का नाम उज्ज्वल कुलकर्णी है, जो महज 19 साल का है। लड़का YouTube पर काफ़ी सारे वीडियोस को एडिट करके अपलोड करता था और इसकी वीडियो को देखकर प्रशांत नील ने भी इम्प्रेस हुए और इस लड़के को अपने फिल्म में एडिट करने को दिया। फ्रेंड्स, मज़े की बात तो ये है, चैप्टर 2 को ऑडियंस का प्यार इतना मिला कि अब चैप्टर 3 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो ये रही KGF के फैक्ट्स। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नया वीडियो आपको जल्द पहुंच जाए। बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।